भाजपा सरकार के मंत्रियों का कहना है कि दिग्विजय सिंह का बयान बता रहा है कांग्रेस हार रही है। कांग्रेस जब हारती है तो हार का ठीकरा ईवीएम और अधिकारियों पर फोड़ती है। भाजपा सरकार के मंत्रियों का मानना है कि भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है और कांग्रेस फिर पराजित हो रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस हार रही है, इसके लिए दिग्विजय सिंह का बयान ही पर्याप्त है। कांग्रेस जब जब हारती है तो हार का ठीकरा ईवीएम और अधिकारियों पर ही फोड़ती है। स्वाभाविक है, जब जब कांग्रेस हारती है तो कभी ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ती है, कभी प्रशासनिक अधिकारियों पर फोड़ती है। जब इनका ऐसा बयान आ जाए तो मान लो कि कांग्रेस जा रही है, किसी एग्जैक्ट पोल की जरूरत नहीं, किसी परिणाम की नहीं, दिग्विजय सिंह का बयान काफी है परिणाम से। शिवराज सिंह के करीबी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस हार रही है, इसलिए अभी से ईवीएम और प्रशासन को दोष दे रही है। देखिए, अब अभी से कांग्रेस ने हार के बहाने ढूंढना शुरू कर दिए हैं, और जैसा परंपरा है कि कांग्रेस जब हारती है तो प्रशासन पर, ईवीएम पर उनका हमेशा आरोप रहता है, जब जीतते हैं तब सब ठीक रहता है और जब हारते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है, और इसलिए हार के बहाने अभी से उन्होंने देखना तय कर दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।